24! शेर इस तरह करते हैं, सर्कस का शेर करता है। आया ना शेर, वे क्या फिर मियां साहब आप शर्मा क्यों रहे हैं? अच्छा थोड़ा नकाह नहीं गाए थे? वजीरे आजम हूं मैं, कोई थे गाना नहीं शुरू किया। आउंदिया नसीबा नल ए घड़िया, आउंदिया नसीबा नल ए घड़िया, असी मियां नू सजाया लाके फुल जड़िया, असी मियां नू सजाया लाके उले जड़ियां। सब तिहाई मारनी अजे, अभी एक तिहाई मार लेने दे। तिहाई क्यों नहीं ले जी, मैं तुहानू नहीं पता। नहीं मैं नहीं पता यार। अच्छा दिनता 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 भाई वाह, आप कहते हैं मुझे तिहाई का नहीं पता। नहीं इसको तिहाई कहते, ये नहीं पता था। ऐसे दिल तो नहीं कर रहा लेकिन आ गए हैं तो एक आधा ठुमका बनता है। मियां साहब आपका नहीं, आप बैठे। अब तो सवाल ही मैं, जब तक आप वजीर आजम कम से कम 3-4 माह तो आपको कोई ठुमका नहीं मारने देना। और यार डमी म्यूजियम डमी है। इवन देन आप बैठे, कोई ढंग की बात करते हैं। नहीं ऐ गल तुसी की कीती है कि 3-4 महीने? हाँ जी ये बजायर तो एक ट्रांजिशन लग रही है। अच्छा ये हुण भी ट्रांजिशन? अच्छा पक्के हो गए? लो लो पक्के भाई, शेरवानी एवं सुहाई। अच्छा मैंने काफी सारे सवाल पूछने हैं, सबसे पहले ये कि तुम्हारा यूनिफॉर्म किधर गया? लवाता तुहानू नहीं पता, जान नहीं दिंदे अंदर, वो रोक लैंदे पुलिस वाले। अच्छा असी इन्हें गार्ड भी हैं, ऑपोजिशन असी दो ही हैं। ये तो वेस्ट कोट पा ली होंगी, आंधी बहस शुरू हो जाती है। मैं भाजी कई बार पॉइंट ऑफ आर्डर से खलोता भी हाँ, देख लो मैं पानी मंगे। मैं पॉइंट ऑफ आर्डर से कई बार सौ भी गया और जो अख खोलती कहना जनाबे स्पीकर, वो कहना हाँ। वैसे क्या शानदार, इसको कहते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। एक फिल्म थी देखिए रिवर्सल ऑफ फॉर्चून? मैं नहीं देखी। चले जरूर देखेंगे। नहीं नहीं ना देखिएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आफताब साहब तरक्की का दौर वापस आ गया। मैं इस वक्त बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, खादिम पाकिस्तान, आप सबके आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब किस बात की यार, एक सेकंड मुझे मुबारकबाद देने दें। मुबारक हो आपको शकील साहब, आपको मुबारक हो सोनिया, और तेरे नसीब खुल गए सोनिया, तेरा सूबा बन गया, बल्कि तुम्हें एक छोटा सा अलग से सूबा बना के दूंगा जिसकी वजीरे आला भी तुम होगी। ये प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। अच्छा वैसे बुज़दार जाते जाते उसका जिला बनवा गया? हाँ जी हमारी तहसील का जिला। आपकी तहसील जो है वो जिला बना दे, आपसे नहीं बनेगा, सूबा कैसे बनाएंगे आप? क्यों नहीं बनाएंगे, हम दो तिहाई कहां से लाएंगे? जनाब जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है वो दो तिहाई भी दिलवा देंगे। हाँ नहीं वो दिलवा तो सकते हैं लेकिन आपने सूबा नहीं बनाना, दो तिहाई छोड़कर आप 100% भी पार्टी आपकी हो ना। अच्छा अब ये सब बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे? अगली पार्टी शेरवानी आकड़ी है, नहीं बैठा जाता। माया लगी हुई है तुहानू पता, सवेर दी पाई हुण ते आई टुरन डया। मैं दरअसल अपनी पूरी अचकन दिखाना चाह रहा था, कौम को ये अचकन मुबारक हो। ओ नियाजी तू ते कहना से अचकन कभी नहीं पहन सकोगे, ए वेख ए ए ए ए चक्कर। ये क्या कर रहे हो? गया मुझे यहाँ मेरे इलेक्शन में क्या मौत पड़ती है? तो 2-3 दिन इंतजार कर लें, आप इलेक्ट हो जाएंगे। अरे नहीं आफ्ताब चाचू, मेरे साथ हुआ क्या है आपको अंदाजा नहीं? क्या आपने नहीं देखा जब असेंबली में मुझे आफ्ताब चाचू 200 वोट जो है 200 वोट पड़ गया था और ऊपर से रूलिंग हो गई, ये नाइंसाफी नहीं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, एहतजाज होगा, बेहिसाब होगा। अबू जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीएम बनना है। बेटे, बेटे। अगर मैं नहीं बना कसम से बन जाएंगे कसम उठाए। मैं क्यों कसम उठाऊंगा? चुप हो बेटे, बन जाओगे फ्लैटीज के तो ऑलरेडी तुम सीएम हो। भाजी इन्होंने फ्लैटी का सीएम बन के उत्थे एक बैरन नु डीआईजी लाता। अच्छा जी आपके साथ वादा किया था डीआईजी से याद है? उन्होंने फिर बैरन नु लाता से? नहीं नहीं इसको तो आईजी लगाने का वादा किया। ये सब तुम्हें वादा किया है? मैं किया है? आफ्ताब तुम खुद बताओ ये आईजी लग सकता है? ये आईजी मियां साहब अगर आप प्राइम मिनिस्टर लग सकते हैं तो वो आईजी नहीं, वो तो वो तो और बहुत कुछ लग सकता है। ना इंसाफ की गल की है। और देखिए तुरफा तमाशा कि प्राइम मिनिस्टरशिप का हल्फ उस टाइम पे उठाया जिस टाइम पे अदालत में पेशी थी, फर्द जुर्म आयद होना थी। कमाल है, इसी को तो मैं कहता हूं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। जनाब मुल्क पहले है, माय जॉब रिक्वायर्ड मी टू बी इन द पार्लियामेंट, नॉट एट द सम पेशी और समथिंग। मैंने हमेशा मुल्क को पहले रखा है,
ये वजह थी, वरना वरना हमने जेलें काटी है। ओए नाजी, ओए मैं पीएम बन गया। ओए देख लो मियां साहब, आपने पीएम बन के भी क्या किया और उसने उतर के भी देखे, वो अब भी पीएम है। वजह भी पीएम है तो और क्या। मुझे सीएम बनाइए। बना देंगे ना, दो दिन इंतजार। आप बनाएंगे? क्या बात है, आप बनाएंगे सीएम? कब सीएम बनूंगा सर? आप बन जाएंगे सीएम? चाचू मुझे सीएम बनाइए, किसी भी सूरत बनाइए। आप मुझे अभी बना दे अभी। अच्छा जी, आप अभी राइट नाउ सीएम है ठीक? ये कोई सीएम नहीं है, मेरी अचकन कहाँ है? फोन कर जरा, यदि अचकन हट दे, हट दे। मियां साहब ये शायद अचकन नहीं बन गई। ओए नाजी, ओए रोजे में बुला के, रोजा तो सबको रोजा, हम बैठे हुए सारे। अच्छा देखिए, वैसे न्याजी ने आपके साथ ज्यादती की है, हालांकि आप उसके सबसे बड़े मोहसिन हैं। अच्छा जी, मजाक भी कर दो। मजाक सारी दुनिया को पता है कि आपकी वजह से वो फिर से लीडर बन गया। अरे मसला की है इसमें, और साउथ एशिया में इस वक्त सबसे पॉपुलर आदमी वो है। ये पोल्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। जैसन दे बड़े ना, असी भी हैरान, में खुशी करनी है, गमी मनानी है, की है असी समझ नहीं लग रही। हमने बंदा ही कोई जवाब देने लगा, गल ही कोई नहीं करता मियां साहब नाल। तुहानू पता ओपोजिशन दी सीटां ते मैं सुबह 7 बजे आके सो जाना। सर इसका मतलब ये हुआ कि गेट नंबर 4 पे सुनवाई हो गई थी। ये गेट नंबर 4 के साथ बहुत थोड़ा ताल्लुक है इसका। इसका ताल्लुक 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के साथ है। देखिएगा भाईजान, समझने की कोशिश करें, वो भी गेट ही है, काफी बड़ा और बड़ा मिलता जुलता काले रंग का गेट, काले जंगले हैं, और वो भी मतलब आजकल तो सिक्का रायजुल वक्त वही है। किस जगह है 16 पेंसिल्वेनिया? अच्छा, आपको जैसे नहीं पता। अच्छा वो पहन गए सर? मैं नहीं पहन, पहन सर पहन तो जाते ही नहीं, वो तो बीमार है। हाँ वो तो टूटा नहीं जानता ना खुलते। मुझे अपने आने की खुशी नहीं है। अच्छा जी, मुझे न्याजी के जाने की खुशी है। और अब तुम पता 8 गार्ड पहले काने कर चुके थे, मैं नौवा। आफ्ताब साहब जी, अगर आप मुझे सीएम नहीं लगवा सकते तो हम यहाँ पे अपना एहतजाजी जो है वो जलसा करेंगे। क्यों क्यों जलसा करेंगे? जैसे ही आपका न्याजी जो है वो कर रहा है पूरे मुल्क में, क्या आपने उसे रोका है? तेरे औंधे खड़क बड़े होंगे मजे ते माइया हूं आनगे, मैं दावते कलाम देता हूँ। किसने इजाजत दी है तुम्हें दावते कलाम की? मैंने दी है आफ्ताब साहब। अच्छा, तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं जमान जिक्रिया। मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब मेरा हल्का इसे क्यों? ये तुम्हारा साला लगता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तकरीर करूंगा। क्या आप तकरीर करेंगे? रोए मत, तकरीर करे। मैं रोऊंगा, इसे क्यों बुला रहे हो? साहब हमजा साहब, आप आपकी एंट्री बाद में होगी। अबूजी मैंने तकरीर करनी है, मुझे तकरीर करने से जो है वो कोई नहीं रोक सकता। आपकी हुकूमत इतना बोर करेगी ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम मौजूद खवातीनो हजरात, थानू चंगी तरह याद होएगा मियां साहब, तुहाडे हत्थां च मैं जवान होया। मैनू ते ओ वक्त याद है, तुसी वड्डे बूट पा के सलाब भेज जांदे सी, और मेरी ते दुआ है फिर सलाब आवे, फिर तुसी वड्डे बूट पाओ। दो तीन महीने च किहड़ा आना है? साडी हुक्मरानी च सलाब आया कि मजा आएगा। मेरे लिए पहले बहुत मसले है, सलाब सलाब मेरे वक्त में ना लाओ। नहीं जनाब, तुहाडे नाल सलाब सजदा है, तुसी हुंदे हो ते पानी च टुरदे हो, तुहाडे बूटा दी छल छल जेड़ी है दसदी है कि तुसी खादमे आला जे। अब वो खादमे पाकिस्तान है। खादमे आला दा ते जवाब ही कोई नहीं, मैं तुहानू उदों ही वोट देंगा जब तुसी खादमे आला होगे। अच्छा बेटे, मैं अपने बड़े बूट हमजा नू दे देंगा। उन पूरे नहीं आने, उन वक्खी तक आ जाएंगे। अच्छा मियां साहब, बूटों से याद आया। नहीं नहीं नहीं, ऐ गल नहीं करनी ना। अच्छा मैं उन बूटों की बात नहीं कर रहा, मैं यही पानी वाले बूटों की बात कर रहा। पानी वाले प्लास्टिक वाले बड़े। अच्छा यार तू तो जान ही कटती, मैं क्या पता नहीं किस पास से गल टूट पई है। अच्छा मियां साहब फिलहाल तो बैठे हैं। बैठो, बैठा नहीं, एक्साइटमेंट बहुत है। कसम मैं ये स्टेप जब तक मान ला गड्डी से खलो के आए ने। और ये सनरूफ नहीं होती? सनरूफ, सनरूफ हाँ, ओम करके पीछे हुई है। मैं जूते क्या और अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सवेर दी अठवीं माफी मांगे बैठे मेरे। एक्साइटमेंट है नहीं, मैं सिर्फ एक स्टेप कर लीजिए साहब, ये चेक करें। ना करें, ऑपोजिशन तो है कोई नहीं, तो कर लो लग। अरे बोला जो सारे चल जाते, मैं तो मियां साहब उतो यही काम कर दूं। असी पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते नचते भी हैं।